जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो रिपेयरिंग के ऊपर रहने वाला है। तो आज के वीडियो में हम इस SMPS को रिपेयर यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि हमारे घर में हमारे कई सारे SMPS होते हैं, जिससे फोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर या कंप्यूटर का SMPS हो गया। ऐसे ही कई सारी जगहों पर SMPS का यूज किया जाता है। आपको हर जगह पर SMPS बेस पावर सप्लाई ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सबसे टॉप में अभी चल रहा है। दोस्तों ये कभी ना कभी खराब जरूर हो जाता है, तो इसे हम आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप कोई भी SMPS को ऐसे टेस्ट कर सकते हो, उसका इस प्रकार से रिपेयरिंग कर सकते हो। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कैसे कौन सा कंपोनेंट्स को आपको टेस्टिंग करना है और कौन सा कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही एक से बढ़कर एक कंटेंट्स आपको हमेशा यहाँ पर मिलते रहेंगे, जैसे ट्यूबुलर फोर व्हीलर के मॉडिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो सिस्टम। इसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल एक बार जरूर चेक कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना और ऑल पे भी क्लिक कर देना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो मैं वीडियो शुरू कर लिया। ओके, दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के सर्किट चेक करने के लिए हमें सीरीज कनेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो सीरीज कनेक्शन को हमने हमारा स्वीट हार्ट एक्सटेंशन बोर्ड जो है उसके अंदर हमने ऐड किया है। इस स्वीट हार्ट एक्सटेंशन बोर्ड का भी वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सर्किट को हम यहाँ पर सीरीज में ही सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे। तो इसका पिन हमने यहाँ पर प्लग इन कर दिया है, अभी हम सीरीज कनेक्शन यहाँ पर ऑन करेंगे। ओके, फिर हम इसे टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए हमने इसे यहाँ पर ऑन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सीरीज का बल्ब थोड़ा भी ग्लो नहीं हुआ, और यहाँ पर SMPS में भी कोई इंडिकेटर यहाँ पर ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब ये पूरी तरह से यहाँ पर ओपन सर्किट दिखा रहा है। ठीक है, इसका पिन हम यहाँ पर निकाल देंगे, और SMPS का जो PCB है तो यहाँ पर इस किट का हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका इनपुट लीड है, यहाँ से AC इनपुट होता है, और यहाँ पर देखिए इस जगह पर एक तो फ्यूज लगा होता है या फिर फ्यूज रेजिस्टर यहाँ पर लगा होता है, लेकिन पहले से यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स नहीं था। लेकिन पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ट्रैक यहाँ पर जल चुका है, यहाँ पर ये ट्रैक ओपन हो चुका है। तो इस ट्रैक को हमें पहले यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी सप्लाई आगे जा पाएगा इस रेक्टिफायर के अंदर। तो हर SMPS के अंदर ऐसे ही रेक्टिफायर, ऐसे ही फ्यूज रेजिस्टर, ये सब कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, और इसे ऐसे ही टेस्टिंग किया जाता है। इससे पहले हम इस जले हुए ट्रैक को यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। तो उसे शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉपर का वायर लेंगे, उसमें से हम एक तार को निकालेंगे और जल्दी से हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं, फिर हम आगे का टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर फ्यूज का जो कनेक्शन था, फ्यूज का ट्रैक, तो उसको हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, वहां पर एक तार को हमने सोल्डर कर दिया है। ओके, अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो वापस हम इसको सीरीज में लगाएंगे, तो इस पिन को हम यहाँ पर प्लग इन कर देंगे सीरीज का कनेक्शन में। ओके, तो देखिए अभी हम स्विच को ऑन करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सीरीज का बल्ब यहाँ पर पूरी तरह से ग्लो कर रहा है, यानी ये अभी शॉर्ट दिखा रहा है। ओके, पूरी तरह से ये शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब PCB के अंदर यहाँ पर कोई और कंपोनेंट्स भी खराब है, तो उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों जो आने वाला जो ऐसे सप्लाई जो होता है वो फ्यूज रेजिस्टर से होके या फिर फ्यूज से होके आगे जो रेक्टिफायर जो होता है चार डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर, उसी के अंदर ऐसे सप्लाई इंटर होता है। तो यहाँ पर ट्रैक हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन रेक्टिफायर के अंदर ही जा रहे हैं। ओके, तो हर SMPS का ऐसे ही कनेक्शन होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर रेक्टिफायर को टेस्टिंग करना पड़ेगा, तो इस डायोड को भी हम यहाँ पर चेक कर लेना है। तो ये चारों डायोड को हम यहाँ पर टेस्टिंग भी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कैपेसिटर देखिए, ये कैपेसिटर भी यहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ है, तो आई थिंक ये भी खराब है, तो इसको भी हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सा फट चुका है। तो चलिए अभी हम इस कैपेसिटर को भी यहाँ पर चेंज करवा लेते हैं। ओके, अभी इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसका वोल्टेज कितना है और इसका जो माइक्रोफैरेड जो है ये भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका वोल्टेज जो है यहाँ पर 400 वोल्ट ये दिखा रहा है। ओके, इसके ऊपर लिखा होता है इसका वोल्टेज और इसका माइक्रोफैरेड। तो चलिए सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरा वाला कैपेसिटर भी लगाएंगे, फिर हम रेक्टिफायर भी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर को हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ओके अभी इसका वैल्यू हम देख लेते हैं। तो इस कैपेसिटर का वैल्यू अभी यहाँ पर आप देखिए, इसका वोल्टेज है 400 वोल्ट और इसका UF 10 UF का ये कैपेसिटर है। तो इसे हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका पोलरिटी आप देखिए, एक इसका माइनस पिन होता है, यहाँ पर लिखा है माइनस, और जहाँ पर नहीं लिखा है वो इसका प्लस पिन होता है। तो देखो हमने यहाँ पर कैपेसिटर को चेंज करवा दिया है। तो यहाँ पर हमने 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया है और इसका जो माइक्रोफैरेड है वो थोड़ा कम ज़्यादा चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 400 वोल्ट और 6.8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर आप इसकी जगह पर दूसरा और कैपेसिटर भी लगा सकते हो, बस उसका वोल्टेज आपको 400 वोल्ट रखना है और उसका जो माइक्रोफैरेड है वो आपको यहाँ पर कम ज़्यादा चल जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर रेक्टिफायर को चेक करना है, उसके लिए हमें मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी हमें यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसको हमें टेस्टिंग करना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड लगे होते हैं। देखिए ये चारों डायोड ये ब्रिज का कॉम्बिनेशन है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर देखिए हर एक डायोड के ऊपर एक सिल्वर रिंग लगा होता है। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब हम यहाँ पर लेंगे। अभी दोस्तों ब्लैक कलर का जो प्रॉब है उसको आपको कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर डायोड का सिल्वर रिंग होगा उस साइड में आपको ब्लैक वाला प्रॉब लगाना है। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यानी ये डायोड खराब है। देखिए ओके, उसके बाद में दूसरा वाला जो डायोड है उसको भी हम वैसे ही टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये डायोड भी यहाँ पर खराब दिखा रहा है, कोई रेजिस्टेंस ये नहीं दिखा रहा है, देखो ओके। उसके बाद में तीसरा भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने ब्लैक वाला प्रॉब को सिल्वर रिंग की तरफ लगाया है। देखिए ये भी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, कोई रीडिंग आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। वैसे ही लास्ट डायोड को भी हम टेस्टिंग करेंगे, ये भी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर चारों डायोड को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे हमें यहाँ पर चेंज करवाना ही पड़ेगा। ओके देखिए यहाँ पर एक और डायोड है उसको भी हम यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है, ओके, यानी ये डायोड एकदम ओके है। यहाँ पर आगे एक और डायोड है रेक्टिफायर के लिए, देखिए ये UF5408, तो ये 2 एम्पीयर का डायोड होता है, इसे भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए ये भी कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है, तो ये भी ओके है। फिलहाल तो हमें ये चारों डायोड को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमने ये चारों डायोड के एक एक पिन को ओपन कर लिया है, आप इसे एसी भी टेस्ट कर सकते हो। तो जब मैंने एसी टेस्टिंग इसका किया तो मुझे यहाँ पर एक डायोड ओके मिला, इसलिए मैं एक डायोड को यहाँ पर रहने देने वाला हूँ और बाकी 3 डायोड जो है उसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देने वाला हूँ। देखिए ये पहला वाला डायोड ये खराब है, दूसरा वाला आप देखिए ये भी खराब है, तीसरा वाला अभी हम चेक करेंगे। तो देखिए ये भी यहाँ पर खराब है, लेकिन ये वाला यहाँ पर ओके है क्योंकि ये यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखा रहा है। ओके तो इसको हम यहाँ पर रहने देंगे, बाकी को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1N4007 ये जो डायोड होता है यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, पहले भी यही लगा था। तो चलिए जल्दी से अभी हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो बाकी 3 डायोड को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अभी एक जो डायोड है ये आपको कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग किया होता है, जहाँ पर आपको डार्क ब्लैक दिख रहा है उस साइड को आपको डायोड का सिल्वर रिंग करना है और उसे वैसे ही लगा देना है उसकी जगह पर। ओके तो यहाँ पर इस डायोड को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर हम इसका टेस्टिंग करेंगे वापस सीरीज का कनेक्शन यूज़ करके। ओके तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डायोड को मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। ओके अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे, तो वापस से हम इसको सीरीज में प्लग इन करेंगे, इसका पिन हम अभी सीरीज में लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा SMPS बिल्कुल ओके चल रहा है, देखिए उसमें ग्रीन कलर का इंडिकेटर भी इसमें ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये सर्किट बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो चुका है। ओके अभी हम इसका वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज वो भी हम यहाँ पर टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पर DC वोल्टेज में यहाँ पर सेट करेंगे और इसका आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर की प्रॉब हमने इसके आउटपुट कनेक्टर पर लगा दिए है, तो देखिए यहाँ पर इसका ये आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हो 13.8 वोल्ट ये दिखा रहा है। अब हम इसको यहाँ पर सीरीज से निकाल कर डायरेक्टली मेन में हम लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर भी ये ओके चल रहा है। दोस्तों ये वाला SMPS का सर्किट, ये हमारा जो स्प्रे मशीन जो आता है, जो हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं खेती के काम के लिए,
तो उस प्रे मशीन का ये बैटरी चार्जर है, ये उसी का SMPS है। तो चलिए अभी हम इसके ऊपर एक बैटरी चार्जिंग करके हम देखते हैं, 12 वोल्ट वाला बैटरी हम चार्जिंग करके देखेंगे। तो देखिए इस SMPS से निकलने वाला जो आउटपुट वोल्टेज है उसको इस क्लिप की मदद से हमें डायरेक्टली बैटरी में सप्लाई दे देना है। तो यहाँ पर आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस को प्लस ही लगाना है और माइनस को माइनस ही हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। ओके, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अभी हम यहाँ पर पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही बैटरी चार्ज फुल हो जाएगी तो यहाँ पर ग्रीन कलर का इंडिकेटर ये ग्लो करेगा और ये कट ऑफ हो जाएगा। अभी इसका आउटपुट वोल्टेज भी आप देख सकते हो। अभी मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये वाला इसका चार्जिंग वोल्टेज आप देख सकते हो। ओके, अभी बिल्कुल ठीक तरह से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।